मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूँ, अपनी बेटी की तरह, मुर्दा लाश की तरह नहीं। ओया खोया चांद खुला आसमान, कर्नल की बेटी कौन मारा है, हमरा भी सुख चैन उजाड़ा है। डॉक्टर साहब, कुछ याद आया या फिर? क्या कर रहा है बे? 2 मिनट्स डॉक्टर साहब। थक गए का? चमनप्रास खाया करो। अगला प्रश्न शास्त्री जी, जो कि है आपकी आजादी का, ही रहा आपके सामने। कर्नल की बेटी को कौन मारा? ओ, गलत जवाब। पुलिस की कोतवाली में नहीं है तू, कर्नल के कब्रिस्तान में है, और यहां के भूत है हम। अपनी अकड़ को अपने पिछवाड़े में डाल ले, वरना अकड़ के साथ साथ खाल भी उधेड़ देंगे। अब तुम तीनों में से एक हमारा शुभचिंतक निकलेगा। जो मारा है कर्नल की बेटी को, वो काहे दूसरे की जान का दुश्मन बन रहा है? साथ बैठो और बता दो, हमारे कर्नल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम मारे हो का कर्नल की लड़की को? किसी को कुछ याद आया क्या? ए, उठा लो इसे। Ha ha ha!
कुछ याद आया डॉक्टर साहब? कर्नल की बच्ची को हम ही मारे हैं। हमें तो पता भी नहीं था किसकी लड़की थी। 50 लाख की फिरौती मांगी थी, 2 दिन संभाल के रखा उसे, 3रे दिन उसका रोना ही बंद नहीं हुआ। गला फाड़ फाड़ के रो रही थी, साला गला ही चीर दिया। पर अब उसके सिवा आंखों के आगे कुछ और दिखता ही नहीं। उसकी चौंध में अंधे हो गए हम। तुमको कैसे पता वो कर्नल की लड़की थी? अरे हमको नहीं पता, पर लड़की तो हम मारे हैं। अकेले नहीं हो तुम, बच्ची को तो हम भी मारे हैं। 12 बंकी और खुर्जा के फायर में हमारा एक कारतूस एक बच्ची के दिल के पार चला गया। 7 लोग मरे थे उस दिन, 6 की तो शक्ल भी याद नहीं, पर एक शक्ल साला घर बना गया सर में। तुम दोनों ने जिन्हें मारा उनके बारे में तो तुम जानते भी नहीं, पर मैंने तो अपनी बेटी को मारा है। अपने हाथों से जलाया मैंने उसे। मेरी बेटी मेरे सख्त रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 12वीं मंजिल से कूद गई। उसकी वो आखिरी झलक अपने साथ मेरी जिंदगी का हर रंग हर सुकून लेके चली गई। अब तो मैं पिछले 3 सालों से बस वही दर्द बर्दाश्त कर रहा हूं। अब तो उसकी तस्वीर भी उसकी सही शक्ल याद नहीं दिलाती, बस बिखरा बिखरा सा खून नजर आता है। सुना है जिनके तुम दोषी होते हो वो तुम्हें दिखाई देते हैं, तो क्या मैं अपनी बेटी को देख सकता हूं बिल्कुल वैसे जैसे तुम उस लड़की को देखते हो, तुम्हारी तरह? हम तीनों ने किसी ना किसी को मारा है, पर साला कर्नल की बच्ची को किसने मारा? क्या फर्क पड़ता है? अगर जमीन खून से सींची हो तो बटोरने को लाश ही मिलेंगी। जब तक हम आजाद हैं उनको आजादी कहां से मिलेगी? पर हमको यहां नहीं रहना। इधर इस भाई, हमको यहां से किसी भी तरह से निकालो। इधर इस भाई, क्या कोई तरीका है कि मैं अपनी बेटी को देख सकूं? दवा दारू जहर सब इस्तेमाल किया लेकिन सब बेकार। मैं उसे अपनी बेटी की तरह देखना चाहता हूं, एक लाश की तरह नहीं। I thought we didn't need him anymore. So,
Did you see your daughter, Colonel? Don't worry, Colonel. We'll try again. Some other way. But you'll see your daughter. When the women and kids are